स्क्वायर विद साइड 2√2 सेंटीमीटर एंड इनक्लाइन इन अ सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। हमें किसका एरिया फाइंड करना है, ये साइडेड रीजन जो है उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस सर्कल का त्रिज्या निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ से ये साइड और ये साइड इक्वल है, हम ये पूरा साइड निकाल लेते हैं बीडी। तो बीडी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। तो बीडी का स्क्वायर इक्वल्स टू डीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसको हम डीसी का स्क्वायर प्लस में डीसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बीडी क्या है, ये आर है। ठीक है, टू आर हो गया, ये टू आर का स्क्वायर, टू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये फोर आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये टू रूट टू दिया गया है, इसका स्क्वायर प्लस टू रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, साइड दिया गया है, ये एक स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, प्लस में एट, और ये फोर आर स्क्वायर सिक्सटीन, फोर आर स्क्वायर फोर से कर गया, ये आ गया फोर, और आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टू, आर की वैल्यू आ गया टू। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी उन्हें बी सी। ठीक है, साइड तो सबका इक्वल है, उन्हें टू टू बराबर जाएगा टू टू जा फोर, और ये फोर टू जा एट। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू में आर की वैल्यू या पाई आर स्क्वायर दिया गया है, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, टू इंटू टू दो से गुणा करेंगे सीधा, चार से गुणा कर चार चौके 16 और चार और एक पाँच तीन चौके 12। ठीक है, ये आ गया। अब हमें साइडेड एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ साइडेड रीजन 12.56 माइनस में 8, 4.5 से 5-6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया साइडेड एरिया का। ठीक है।